की आड़ में मैं बात कर रहा हूँ। We want to raise the kids to have a family and कि यहाँ पर आप सर्बियन कल्चर के जो पुराने ज़माने के सर्बियन आर्किटेक्चर के जो घर होते थे वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बेसिकली चेक करने आए हैं कि ज़िपलाइन इस वक्त चालू है या नहीं। बरसात होने के बाद इन जनाब का कहना था कि शायद मुश्किल होगा, अगर चल रहा होगा तो ट्राई करेंगे, नहीं चल रहा होगा वापस कार में चले जाएंगे कहीं और। बट जनाब क्या हवा चल रही है, क्या मज़ा। अब मैं मिस कर रहा हूँ अपने एक्शन कैमरा GoPro को। मैंने जब वहाँ की थी मॉरिशस में, जब ज़िपलाइन पहली बार किया था तब मेरे पास में GoPro था और उसको मैंने ऐसे पकड़ रखा था। वो अच्छा था। खैर ये रहा ज़िपलाइन, 10 यूरोज़ दो और ये ज़िपलाइन पर उड़ के जाओ उस पार और अपनी गाड़ी को बोल देना कि भैया मुझे वहाँ से ले लेना। But is it a good idea to zipline yes, today? Of course. Yeah. Only thing is that you there is a possibility that you don't make it to the end. And then why? Because the wind is it's blowing hard. Okay. And then they throw you some rope and you catch the rope and they will pull you. And then and if you miss that rope you come back about 20 meters. At the pull? Yes. No. They okay. Have to pull. Then the other guy sits at the same gear like yours and came to you and they will pull you. So just tell me, it is dangerous or not? No. वो भाई साहब पहुँच नहीं पाए क्योंकि हवा थोड़ी तेज़ है आज, तो इसलिए कोई और उनको खींचने के लिए आ रहे हैं। हालांकि करीब 80% तो रास्ता उन्होंने कवर कर ही लिया था। हम लोग नहीं कर रहे हैं इसको, इस एक्टिविटी को, हमें जाना है एक दूसरे पहाड़ पे।
this place? Chigota. 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 Yeah. Yeah, Chigota. Oh, it's with ये है चिगोता, हवा बहुत तेज़ है और यहाँ पर एक मिलिट्री का कुछ तो है, एक एस्टेब्लिशमेंट है मेरे फ्रंट साइड में है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस तरफ मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और ये शायद टॉप मोस्ट एरिया है, चारों तरफ मतलब ये पहाड़ सारे नीचे नज़र आ रहे हैं यहाँ से, इसलिए हवा बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। मेरा चश्मा और ये जो विंड स्क्रीन है ये बिल्कुल निकलने को तैयार हो रहे हैं। कार के अंदर बैठ के थोड़ी सी राहत मिली, सीरियसली आंखों से पानी आ रहा है। बहुत बहुत ज्यादा तेज हवा थी ये, मेरे इनफैक्ट कान बंद हो रहे हैं। कार के अंदर बैठ के हवा की आवाज़ आ रही है, शायद रिकॉर्ड हो रही होगी, मुझे पता नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी तेज़ हवा का प्रेशर फील नहीं किया, चेहरे पर ऐसे तेज़ पड़ रहा था, बाल ऐसे उड़ रहे थे, चश्मा निकलने को हो रहा था। कैमरा मेरे हाथ में था, मेरा मोबाइल कैमरा, वो ऐसे छूटने को हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही तेज़ हवा है। एक्चुअली ये बहुत ऊँचा पहाड़ है, बहुत ऊँचा तो खैर नहीं है, पूरे इलाके में काफ़ी पूरे इलाके का सबसे ऊँचा पहाड़ है, जगह का नाम चिगोता। इस चीज़ को अगर असर करना है, ये जो हवा की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से यहाँ ज़रूर आना चाहिए। 5-10 मिनट, 10-15 मिनट यहाँ बिताए जा सकते हैं और इसके बाद सीधे ज़लाती बोर्ड। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच ज़लाती बोर्ड फ्रॉम हियर? Could be at pretty extra lot of chance lot. 25 minutes. So मेरे ख्याल से आप अगर जब यहाँ आते हैं रात को पहुँच जाइए, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, बेलग्रेड से या कहीं से भी, सुबह आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आज मैंने शुरू किया जो डे टूर था, यू कॉल इट स्टोपिचे केव से आप शुरुआत करिए, फिर अगला जो डेस्टिनेशन था हमारा, हम लोग गए थे सिरगोइना विलेज गए थे, जहाँ पर था, क्या था वहाँ पर, वो बहुत अच्छी चीज़ थी, पुराने ज़माने की जो साइबेरियन घर थे, सर्बियन घर थे। यार मैं साइबेरियन क्यों बोलता हूँ यार, मैं सच में सर्बियन। और उसके बाद में हम लोग गए थे वाटरफॉल देखने के लिए। तो ये करीब करीब इस वक्त 3:30 बज रहे हैं, शुरू हुआ था ये सिलसिला सुबह 9 बजे, 3:30 बजे हम ज़लाती बोर्ड पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, या इसको क्या बोलते हैं ये लोग, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम वहाँ पहुँच गए। आज की जो हमारी टीम थी वो बहुत अच्छी थी, मिलन बहुत ही हम्बल और बहुत ही, मतलब जिस तरीके से इन्होंने पूरा दिन मेरे साथ में बिताया, बहुत मज़ेदार था, बहुत ही एक अच्छी टीम थी। ये जनाब भी बड़े हम्बल हैं, ये भाषा भले ही इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आपने देखा इनका रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू, ख्वाला पुनो। मतलब मेरे लिए एक्सक्लूसिव वो कार थी, तो अगर आप भी इस तरह का ट्रिप करना चाहते हैं, एक शॉफर ड्रिवन कार, एक ड्राइवर के साथ में आपको कार चाहिए, तो बहुत महंगा नहीं है, बड़ी मुझे हैरानी हुई, सिर्फ 1000 दिनार का आप देंगे और आपको वो जो 3 जगह मैंने शुरुआत में देखी थी वो करवा देंगे, उसमें साथ में आपको जोड़ना चाहेंगे, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं जैसे मैं गया था आज, तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन 1000 दिनार एक कार के लिए जिसमें आप 3-4 लोग बैठ सकते हैं, ये मुझे लगता है बहुत सस्ता है। अगर आप 3-4 हैं तो डेफिनेटली आपको कार हायर कर लेनी चाहिए। अगर आप सेल्फ ड्रिवन कार लेना चाहते हैं, मतलब आप खुद ड्राइव करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पता चला एक एलेक्स टैक्सी एक कंपनी है जो बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, मैंने बहुत सारी इसकी कार देखी थी, तो लेकिन वो थोड़ी महंगी लगी मुझे, 4200 दिनार्स प्लस फ्यूल का अलग से है, वो आपको फुल टैंक देंगे, वापसी में आपको टैंक फुल करके देना है। तो लेकिन हाँ, एक फ़ायदा ये है कि आप अगर वही 3-4 लोग ज़्यादा हैं, आप अगर 3-4 हैं तो आप शेयर कर सकते हैं आप, प्लस आप ये जो 1000 मैंने आपको बताया वो सिर्फ 3-4 जगहों के लिए ही था, वो जो कार होगी वो पूरे दिन के लिए आपके पास है, कहीं पर भी जा सकते हैं आप। और उसके अलावा अगर आप अकेले हैं और आप अगर 1000 दिनार खर्च नहीं करना चाह रहे हैं सिर्फ इस जगह के लिए,
तो मेरे ख्याल से 1,000 दिनार में आप एक बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें आपको गाइडेड गाइड मिल जाएंगे और वो एक तरीके से गाइडेड टूर हो जाएगा। हालांकि जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे वो केव थी, जैसे वो ओपन एयर म्यूज़ियम था, वो सब के सब का जो एंट्रेंस टिकट्स हैं वो अलग से हैं। सवाल ये था कि ये आपको किराए की कार या रेंटल कार या फिर शॉफर ड्रिवन कार या बसेस, ये सब के सब मिलेंगे कहाँ से? या तो आप भटक लीजिए पूरे बाज़ार में और लोगों से बात करते रहिए, या फिर सबसे अच्छा है आप यहाँ अज़लातीपुर टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ इनका ऑफिस है, ये 8 से 8 PM तक काम करते हैं इन दिनों। अदरवाइज़ रेगुलर टाइम, क्योंकि कोरोना का टाइम है इस वजह से इसका टाइम ये है। अदरवाइज योर टाइम इज़ फ्रॉम 8 AM to 10 PM। तो सुबह 8 PM से लेकर रात 10 PM तक ये लोग, इवन ऑन संडेज एंड सैटरडेज, राइट? तो 7 दिन ये लोग काम करते हैं। आप यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ये आपको बता देंगे कि आप कहाँ से किराए पर कार ले सकते हैं। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबके साथ में बहुत अच्छा रहा है। व्हाट शुड आई ट्राई, लाइक द स्पेशलिटी अबाउट ज़लातीपुर? हनी टेस्ट करने को मिल रहा है, करके देखने में हर्ज नहीं है। ओके, बट आई ट्राई दिस। But it's called med. Med, yes. Honey, med. It means med in Serbian. Okay. And you have also sweets, not only from strawberries, from raspberries, from plums, from different fruits. Many things. Okay. Yes. What would be the cost of the honey which I just purchased? It's koliko košta ova jedan med? Jedna ova. 800 dinara. 800 dinars, 1 kilo. 1 kilo, 800 dinars. Ye tha is ka cost. I can get a lot of varieties of honey here. Yes, honey, brandy, sweets. So, I mean, this lady go to the woods somewhere in the village and find the strawberries, and then from that strawberries, she make the sweets. Got it. नाना प्रकार की चीजें हैं। मेरा ज़्यादा शौक नहीं है खाने पीने का। I'm sorry. Brandy? No, I don't want. मैं नहीं खिलूँ बिचारा उसको पता। Thank you. The cream is from cow milk. What do you call this? Kaimak. I know this. Kaimak. Yeah. ये मैंने होटल में बहुत खाया था। Kaimak. Salty cheese है। बहुत creamy है। And this is like from Zlatibor or Serbian? Yeah. Well, actually from whole Serbia, but in Zlatibor villages, a lot of rural households produce kaimak. They have their own cows and they produce kaimak and cheese. This is from cow milk, but it also could be from the sheep milk, from the goat milk, it depends. I actually liked kaimak. Yeah. मुझे वाकई अच्छा लगा। Thank you very much. ये पूरी की पूरी ये जो लेन है ना, यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर और वो पीछे तक, वहाँ पर सिर्फ खाना और पीना, लोकल जो डेलिकेसीज हैं या जो भी चीज़ें हैं। एंड द नेम ऑफ दिस मार्केट इज वेल जस्ट लोकल मार्केट इन ज़लातीपुर। एंड इज दिस नियर द लेक? यस, इट्स लाइक 100 मीटर्स फ्रॉम द लेक एंड द सिटी सेंटर। मेरे ख्याल से यहाँ तो ज़रूर आना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ ट्राई करना चाहिए। आ जाना, यहाँ पर आ जाना। Thank you. हमारा ट्रिप तो वहाँ से शुरू हो गया था, वो वहाँ पर एंट्री गेट है। अभी ये जितना भी एरिया है, चाहे आप समर में हैं चाहे आप विंटर में हैं, यहाँ तक तो है सारा का सारा फ्री। आप अगर समर में आते हैं तो हाइकिंग कर सकते हैं, वहाँ ऊपर चले जाइए, माउंट तोरने के ऊपर है वो, जो ये उंगली जहाँ पर दिख रही है आपको। The center is open during the winter for skiing and during the summer for summer activities, but the beginning of spring and autumn are periods in the middle season. They are preparing for the next season they are coming. Right. From the half of June till the half of September. It's open, it works every day. That's summer. And that's during the summer. Yeah. And during the winter, depends from the snow, but second half of December till the first half of March. March is, I mean, winter. If there is snow later, they will be open later. For skiing. सर्बिया में आने का रीज़न तो मैंने आपको पहले कई बार दे चुका हूँ, लेकिन एक बार आप बेलग्रेड पहुँच जाएंगे तो ज़लातीबोर एक ऐसा ऑप्शन है
जहाँ पर आपके 4-5 दिन आराम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और आपका पूरा एक हफ्ते की छुट्टी सर्बिया में बहुत अच्छी गुजरेगी। सर्दियों में यहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी, गर्मियों में आपको हरियाली मिलेगी और आप हाइकिंग, ट्रैकिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। मेरे पीछे है लेक रिबिनित्सा। रिबिनित्सा दरअसल ज्लातिबोर और वहाँ पर है टॉर्निक माउंटेन, उसके बीच में एक लेक है, बेसिकली एक गांव है, रिबिनित्सा उसका नाम है। उस गांव के नाम पर ये लेक है, ये वो लेक है जहाँ से पानी जाता है इस वक्त ज्लातिबोर के लिए। तो मैंने जितना भी पानी पिया आज तक वो इस लेक से आता है और इस लेक में पानी आता है इन पहाड़ों से, एक छोटी सी नदी आती है। असल में हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, ऐसे दुनिया जहान की बातें होती रहती हैं और मेरी आदत है, मैं सिर्फ लोगों से जब बात करता हूँ तो सिर्फ जगहों की बात नहीं करता हूँ, डेस्टिनेशंस की, मैं कल्चर की भी बात करता हूँ, लाइफस्टाइल की बात करता हूँ। और मुझे बहुत पसंद आता है जब हम ऐसे कल्चर में जाते हैं जहाँ पर लोग अपने लिए पर्सनल लाइफ और पर्सनल टाइम, फैमिली और उसके लिए बहुत टाइम होता है। और मैं जब से सर्बिया आया हूँ मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ यहाँ के वर्क कल्चर, यहाँ की लाइफस्टाइल। और अभी जिनके साथ मैं हूँ उनके साथ मैं ऐसी बात कर रहा था, व्हाट डिड यू से? वेल आई सेड, आई मीन द कैपिटल ऑफ सर्बिया बेलग्रेड इज वेरी नाइस सिटी विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स, फॉर करियर्स, फॉर गुड लाइफ। इन बेलग्रेड आर हायर सैलरीज फॉर पीपल हु वर्क्स, बट इन द अदर पार्ट्स ऑफ सर्बिया लाइक ज्लातिबोर, लाइक वेस्टर्न सर्बिया, इफ यू वांट टू रेज द किड्स टू हैव अ फैमिली एंड टू हैव अ slower and easier life, I mean these parts of Serbia like Zlatibor are better than big cities. Yeah, baat mein bahut zabardast dam tha, baaton hi baaton mein hame ye baat pata chali, halanki baat bahut aasan si hai, bahut choti si hai aur hame pata hai, lekin theek hai aaj yahan is khoobsurat si jagah par khoobsurat se mahol mein ek bahut hi khoobsurat se shakhs se ye baat pata chali, acha laga ye baat jankar aur ye philosophy dimag mein ghus gayi hai ab। तो आपको भी अगर पसंद हो ये लाइफस्टाइल जहाँ पर आपको अपने आप को टाइम देना हो, छोटे बच्चों को टाइम देना हो, फैमिली को टाइम देना हो, तो जनाब कोशिश करिएगा अपने देश में भी अगर आप हैं तो कहीं छोटे शहरों में चले जाएं। ये चीज़ मैंने आसनसोल में फ़ील की थी, मुझे बहुत वक्त मिलता था अपने लिए, अपने आप के लिए वहाँ पर रहते हुए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।